हे एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आज मैंने निकाली है एक और साड़ी ड्रेस बनाने के लिए। देखिए फ्रेंड्स, ये वाली साड़ी बहुत पुरानी साड़ी है। पहले की ये इस तरह की साड़ियाँ चलती थी, पहले ये सीक्वेंस वर्क की साड़ी है। तो ये आज मम्मी ने निकाल के दी है कि इसे कुछ बना लेना, क्योंकि अब ये आउट ऑफ फैशन हो गई है, तो कोई नहीं पहनता इस तरह की साड़ियाँ। तो अब हम इनका क्या करेंगे, तो फिर देखते हैं इससे कुछ बनाएंगे। तो अभी बस केवल निकाल के रखी है, ऊपर बाहर रहेगी तो कुछ बना ही लेंगे, अगर अंदर रखी रहेगी तो फिर नहीं जल्दी से बनता है। तो अभी मैंने निकाल के रखी है इसको भी बाहर। तो ये इसका पल्ला है साड़ी का, वो पूरे पल्ले पे इस तरह की डिजाइन है, देखिए फूल और पत्ती की। और हाफ साड़ी आपको दिखाते हैं, हाफ साड़ी इस तरह की है, ये प्लेटें आती है ना साड़ी में, तो वहाँ पे केवल नीचे नीचे की तरफ ये डिजाइन बनी हुई है, और छोटी छोटी सीक्वेंस की इस पे बूटी बनी है छोटी छोटी इस तरह से। तो पूरी और हाफ साड़ी इस तरह की है। तो चलिए, और अब मैं जा रही हूँ कुर्ती की कटिंग करने। तो ये वाले सूट मुझे कटिंग करने हैं, ये मस्टर्ड कलर का है, इसमें से हमें दो कुर्तियाँ बनानी है और इसका हमें पैंट बनाना है। तो अब मैं करूँगी इनकी कटिंग, और उससे पहले आपको दिखाती हूँ फ्रेंड। देखिए ये ब्लाउज आया है करवा चौथ के लिए, तो देखिए कितना प्यारा ब्लाउज है, वेलवेट का फैब्रिक है, और वेलवेट के फैब्रिक पे ये देखिए इस तरह का वर्क, गोल्डन जरदोजी वर्क का ब्लाउज है, ये पूरा जरदोजी वर्क है। इस पे बहुत प्यारा लग रहा था, इतना अच्छा कैमरे में नहीं ये कलर आया है, लेकिन जो रेड एकदम खिला हुआ कलर होता है ना, वो कलर है। ये कैमरे में इतना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन रियल में ये बहुत प्यारा लग रहा था, वेलवेट फैब्रिक पे तो और भी अच्छा लग रहा था। तो ये सिर्फ स्लीव में डिजाइन है, इसमें पूरा ब्लाउज प्लेन है और स्लीव में ये वाली डिजाइन दी है। तो मैं आपको इसको पास से भी दिखाती हूँ, देखिए इस तरह का ये डिजाइन है, लेकिन रेड कलर पे और भी प्यारा लग रहा था, लेकिन रेड कलर इसमें कैमरे में इतना अच्छा नहीं लग रहा है ये, लेकिन रियल में बहुत प्यारा लग रहा था। तो ये करवा चौथ के लिए ब्लाउज आया है, तो आज मैं इसकी भी कटिंग करूंगी और फिर मुझे इसको भी बनाना है। और यहाँ पे देखिए मैं लगा रही हूँ फ्यूजिंग पेपर, ये मैंने उल्टा रख दिया था तो वो प्रेस में चिपकने लग गया, मतलब उल्टी साइड से मैंने रख दिया था, जो चिपकाने वाली साइड है वो ऊपर की तरफ हो गई थी। तो ये इसको मैं कुर्ती पे नेक में लगाऊंगी। तो कुर्ती मैंने कटिंग कर ली है, तो मैं उसकी स्टिचिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पे ये गले पे लगाने के लिए मैं फ्यूजिंग पेपर को फैब्रिक पे लगा रही हूँ, इस तरह से गले की कटिंग मैं कुर्ती के ऊपर ही कर लेती हूँ, पेपर पे नहीं करती हूँ, उसके ऊपर ही कटिंग कर लेती हूँ। अब ये फैब्रिक में मैंने पेपर लगा लिया इस तरह से, या बुकरम लगा लीजिए, आप बुकरम लगाना चाहते हैं तो बुकरम लगा लीजिए। मैंने यहाँ पे फ्यूजिंग पेपर लिया है, इसको मैंने दो कुर्तियां बनाएंगी दोनों के लिए, इस तरह से मैंने ये फैब्रिक के ऊपर इनको चिपका लिया है। और अब मेरी जो गले की कटिंग होगी, जैसा भी गले की हम डिजाइन बनाते हैं, वो इसके ऊपर रख के और उसके किनारे से सिलाई लगा देंगे, और फिर हम इसकी जो एक्स्ट्रा होगा फ्यूजिंग पेपर, बीच से जो एक्स्ट्रा निकलेगा उसकी कटिंग कर देंगे। तो इसी तरह से मैं सूट की गले की, मतलब जो भी डिजाइन बनाती हूँ, गोल गला सिंपल जो भी गले बनते हैं हमारे, तो मैं इस तरह से ही पेपर लगा लेती हूँ फैब्रिक के ऊपर ये फ्यूजिंग पेपर, और फिर इसके ऊपर गले की जो भी डिजाइन है उसको रख के स्टिचिंग कर लेती हूँ। तो ये मैंने कर लिया है फ्रेंड्स। और यहाँ पे देखिए पता नहीं कहाँ से ये मकड़ी आ गई थी, ये हटा रही है बेटी मेरी यहाँ से। हट जाओ। और यहाँ पे ये प्रेस यहीं पे रखी है, अभी मैं इसको हटा के नीचे रख देती हूँ। मैंने और भी कपड़े अभी प्रेस किए थे, और मैंने शाम हो गई है फ्रेंड, तो मैंने यहाँ पे, और किचन में मैंने गैस पे रखी है दाल बनने, तो गैस में सीटी आ रही है दाल में, तो फिर मैं गैस को भी अब कम कर देती हूँ। और यहाँ पे मैंने ये वाले सूट जो बनाए थे कल, बनाए थे कल परसों बनाए थे, तो वो रखे हैं। तो ये सूट मेरे बन चुके हैं, इनको मैंने अभी प्रेस किया था, तो ये यहाँ पे रखे हैं प्रेस करके। और जो ब्लाउज उनके बनाए थे, तो उनको अभी मैंने प्रेस नहीं किया है, वो बाद में आया था एक तुरपाई से पिंक वाला,
तो अभी ग्रीन वाला भी मैंने प्रेस नहीं किया है, दोनों यहीं पे रखे हैं। तो इन ब्लाउजों को भी अभी मैं उनके पास ही रख देती हूँ दोनों को उठा के, और फिर इनको अब मैं बाद में प्रेस करूँगी। तो वीडियो फ्रेंड मेरा आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और ये वाली मैंने अभी कुर्तियाँ बनाई थी, देखिए तो इसमें से मैंने एक कुर्ती तो बना ली है, ये एक मेरी बन चुकी है। ये अभी देखिए ऐसे उल्टी रखी है, आपको समझ में नहीं आ रही है, ये वाली तो बन चुकी है, ये अभी देखिए उल्टी रखी है, इसलिए अभी सही से समझ में नहीं आ रही है। मैं आपको बाद में दिखाऊंगी इनको। ये हमने कॉलर वाली कुर्तियाँ बनाई हैं, और ये एक अभी बना रही हूँ मैं, इसका केवल अभी मैंने फ्रंट का गला तैयार किया है, तो अभी मुझे इसका बैक का भी गला तैयार करना है। चलिए वीडियो एंड करती हूँ, अब मैं इस कुर्ती की स्टिचिंग करूँगी।